दोस्तों सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, सेप्सिस के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से सेप्सिस होता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं सेप्सिस पर, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि सेप्सिस बीमारी होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या है। दोस्तों सेप्सिस एक काफी गंभीर समस्या है, एक काफी गंभीर बीमारी है। ये इतनी गंभीर होती है दोस्तों कि पेशेंट की कई बार डेथ भी हो जाती है सेप्सिस की वजह से, क्योंकि दोस्तों सेप्सिस ब्लड में इंफेक्शन को सेप्टिक या दोस्तों सेप्टीमिया के नाम से भी जाना जाता है, या इसको सेप्सिस या सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं। दोस्तों ये डिजीज इंफेक्शन से पैदा हो सकती है। ब्लड इंफेक्शन तब होता है जब इंफेक्शन से निपटने के लिए ब्लड में घुलने वाले जो केमिकल्स हैं पूरे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी में सूजन के साथ साथ जलन पैदा करने लग जाते हैं। इसके चलते शरीर में कई तरह के चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके चलते शरीर में कई ऑर्गन्स नेगेटिव रिएक्शन देने लगते हैं और उनकी प्रक्रिया, जो उनकी प्रोसेस है, उसमें रुकावट आ जाती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आगे मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करने वाला हूं, इसके कारण के बारे में भी। दोस्तों सेप्सिस की पहले बात करें कि ये कितने आम समस्या है। दोस्तों सेप्सिस काफी कॉमन हो चुका है, ये खासकर एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर को कम करने करके इससे बचा जा सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा जानकारी तो दोस्तों अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बात करें इसके सिम्टम्स की, कि इसके शुरुआती या इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों सेप्सिस के सिम्टम्स की बात करूं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ये 38.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 36 डिग्री से नीचे चला जाता है। एक मिनट में जो हमारी हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, ये 90 से अबव हो जाती है। रेस्पिरेटरी जो रेट है इसका बढ़ना, यानी कि एक मिनट में 20 टाइम्स, फीवर आना, कपकपी या ज्यादा ठंड लगना, तो ये कुछ इसके कॉमन से सिम्टम्स देखे जाते हैं। वहीं बात करें कुछ गंभीर सिम्टम्स की सेप्सिस की। दोस्तों कम यूरिन का शरीर से बाहर निकलना, मानसिक कंडीशन में अचानक से चेंजेस होना, प्लेटलेट काउंट में कमी आना, सांस लेने में हमें तकलीफ महसूस होना, एबनॉर्मल हार्ट पंपिंग, पेट में दर्द होना, सेप्टिक शॉक, कई बार दोस्तों दस्त लग सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, जी घबरा सकता है, ज्यादा पसीना आ सकता है, मांसपेशियों में दर्द के साथ साथ बेचैनी महसूस करना। दोस्तों ये सारे सिम्टम्स जो है ये कुछ सेप्सिस से रिलेटेड होते हैं। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स अगर आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सेप्सिस के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से दोस्तों सेप्सिस होता है, क्योंकि दोस्तों कारण जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी बीमारी या किसी भी डिजीज के लिए। दोस्तों सेप्सिस के काफी सारे कारण हो सकते हैं। सेप्सिस के कुछ कारणों में से जैसे कि बैक्टीरियल इंफेक्शन, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरस इंफेक्शन या वायरल इंफेक्शन जिसको हम बोलते हैं। कुछ सबसे सामान्य कारण निमोनिया, दोस्तों पेट में इंफेक्शन, किडनी इंफेक्शन या दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर इंफेक्शन, तो इनकी वजह से सेप्सिस होता है। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करते हैं, करने लगते हैं। ये एंटीबायोटिक वही है दोस्तों जो एक टाइम पर इन बैक्टीरिया को खत्म करने में मददगार साबित होते थे, ऐसे बैक्टीरिया भी सेप्सिस का कारण बन सकते हैं। ये वीक इम्यून सिस्टम के कारण भी होता है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। दोस्तों ये कुछ इसके कारण थे। अब बात करें दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर की, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। दोस्तों आप बहुत छोटे हैं या बहुत ज्यादा ओल्ड एज हैं तो भी ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम होना, अगर आप पहले से बहुत ज्यादा बीमार हैं, कोई चोट लगी है, कोई घाव है जैसे कि जलना वगैरह, इस तरह से इन्वेसिव कैथेटर और ब्रीथिंग ट्यूब का इस्तेमाल करने से, तो ये सारी चीजें दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका कैसे पता लगाया जाए, कैसे इसको देखा जाता है या कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है। दोस्तों ये तय करने के लिए कि आपको सेप्सिस है या नहीं है, इसकी गंभीरता की पहचान करने के लिए डॉक्टर का जो टेस्टिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर टेस्ट बताते हैं, ब्लड टेस्ट, बैक्टीरिया के जो आपके इन्फेक्शन से रिलेटेड जो टेस्टिंग है वो कराई जाती है, उसी के बाद इसको डायग्नोज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।